रोशनी के पर्व दीपावली पर शिक्षा की रोशनी फैलाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव के जंगल तिकोनिया नंबर 3 में उनके द्वारा जुलाई माह में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कंपोजिट विद्यालय का लोकार्पण किया गया था, जिसका सीएम योगी ने गुरुवार को कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल के छात्र व छात्राओं से संवाद किया तथा छात्रों में मिठाई व चॉकलेट का वितरण किया। वहीं मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल गए। इस दौरान स्कूली छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विद्यालय में खेल की जगह बनाने की मांग की तो मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि जल्दी विद्यालय के आसपास छात्रों के लिए खेलकूद का मैदान बनाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वनटांगिया गाँव के कंपोजिट विद्यालय के छात्रों और अध्यापिका रीना यादव तथा खुशबू यादव ने कहा, सभी बच्चे स्कूल पढ़ते हैं? यस सर। सब लोग ये पढ़ना आता है? यस सर। पढ़ लेगी? यस सर। जुम्मन शेख और मैडम पीछे हटो, पीछे हटो। आज आप आ रही है तो इस विद्यालय पर जो लोग जो कि हम आपसे काम करते हैं बहुत सारे महाराज जी इसमें भी महाराज जी थोड़ा सा तब हम लोग ने कहा कि खेलने के लिए जगह नहीं तो कहे मिल जाएगा, कब तक मिलेगा क्या ये तो नहीं बताए। मेरा नाम रीतिमा पासवान है। बहुत सही, बहुत अच्छा लगा हमको और कहें बेटा अच्छे से पढ़ना और सर कुछ नहीं किए, चल हमको चॉकलेट दिए हैं। सर क्या राहुल क्या फिल्म क्या कहें वो हमको बहुत अच्छा लगा। योगी जी का यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, हम लोग सब ने कहा हाँ, और मैम ने सवाल दी थी वो भी हम लोग लगाए और मिठाई भी दी, चॉकलेट भी और लड्डू। रीता कहे खूब पढ़ो आगे बढ़ो। लड्डू दिए और चॉकलेट दिए हैं। नाम रीना यादव। सर ये हमारे सौभाग्य की बात है कि सर हमारे स्कूल पर आए हैं और सर बच्चों से बातचीत भी किए, सर बुक भी पढ़वाए, बच्चे पढ़े, सर वो संतुष्ट भी हुए। और ये सर दिवाली का पर्व है, सबके लिए खुशियों का त्यौहार है, उसमें सर आ करके हम लोगों को
और भी सर सौभाग्य की बात है ये कि सर हमारे घर स्कूल में आए विद्यालय। खुशबू यादव सर, उनके आगमन से हमें बहुत बहुत खुशी हुई है। सर हमारे बीच पधारे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है और बच्चे मेरे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। बच्चों से क्या क्या तो बच्चों से पूछे हैं कि आपको अच्छी अच्छी पढ़ाई हो रही है कि नहीं, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं प्रोजेक्टर, क्योंकि अभी जल्दी ही प्रोजेक्टर लगा है और बच्चे संचालित भी कर ले रहे हैं प्रोजेक्टर। सर ये सब देख के मैं बहुत प्रसन्नता हो रही है।